बेरमो विधायक अरूप सिंह अभी ऑफिस पहुंच गए हैं। ईडी की टीम ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। बता दें कि कैश कांड को लेकर अनूप सिंह से आज ईडी पूछताछ करेगी। अनूप सिंह बिल्कुल समय पर ईडी के रांची जोनल ऑफिस पहुंच गए हैं। 16 दिसंबर को ही अनूप सिंह को ईडी समन भेजा था। इससे पहले मीडिया से बातचीत के दौरान अनूप सिंह ने कहा था कि वह ईडी कार्यालय जरूर जाएंगे और ईडी उनसे जो भी सवाल करेगी उसका जवाब देंगे। अनूप सिंह पहले भी कई बार कहते नजर आए थे कि हो सकता है आने वाले दिनों में ईडी की तरफ से मुझे समन जारी किया जाए, क्योंकि मैंने भाजपा की बात नहीं मानी है। जो भाजपा की बात नहीं मानते हैं उनके पीछे ईडी और आईटी जैसे केंद्रीय एजेंसियों को लगा दिया जाता है। आज ईडी ऑफिस में आते समय वह बिल्कुल कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। उनके चेहरे पर एक मुस्कान भी थी। ऐसा लग रहा था कि वह ईडी के हर सवालों का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मीडिया कर्मियों को वह थम का साइन दिखाते हुए अंदर गए हैं। अनूप सिंह के आवास पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। अनूप सिंह के कहने पर ही वह ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। बता दें कि कैश कांड में फंसे तीनों विधायकों पर बेरमो विधायक अनूप सिंह ने जो 0 FIR दर्ज करवाया था उसे ईडी ने टेकओवर कर लिया था। सरकार को गिराने के उद्देश्य से विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए एड ने प्राथमिकी दर्ज कर ली थी। ईडी ने जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, कुलेबिला विधायक नमन विक्सल कुंगाड़ी और खिजड़ी विधायक राजेश कच्छप को आरोपी बनाया है। ईडी के द्वारा दर्ज प्राथमिकी में अनूप सिंह के केस को आधार बनाया गया है। पहले से कयास लगाया जा रहा था कि आने वाले समय में ईडी अनूप सिंह से पूछताछ कर सकती है। आपको मालूम हो कि कैश के साथ कोलकाता में जिस दिन तीनों विधायक धराए थे, ठीक उसके अगले दिन कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने अरगुड़ा थाने में 0 FIR दर्ज करवाया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि पकड़े गए विधायकों ने उनको मंत्री पद और 10-10 करोड़ रुपए दिलाने का ऑफर दिया था। इस मामले की जांच पश्चिम बंगाल सरकार ने CID को सौंप दी थी। से कोलकाता CID की टीम पूछताछ कर चुकी है। कोलकाता CID की टीम इसकी जाँच के क्रम में असम भेजा चुकी है। बता दें कि 30 जुलाई को कैश के साथ कांग्रेस के 3 विधायक कोलकाता पुलिस के रानीहाटी के पास 49,37,000 रुपए के गिरफ्तार किया गया था। कोलकाता पुलिस ने तीनों पर धारा 420, 120 बी, 171 ई के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद 31 जुलाई को विधायकों को विशेष CJN कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोलकाता पुलिस ने उन्हें 10 दिनों की हिरासत में रखने का आदेश दिया। उसी दिन 31 जुलाई को कांग्रेस विधायक अनूप सिंह द्वारा अरगोड़ा थाना में 0 FIR दर्ज कराया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।